सुपर स्टारों के स्टार सिंगर ललित अग्रवाल जी का आज एल्बम रिलीज हुआ है राधे राधे, जिसको करण जी ने लिखा भी है और उसको कंपोज भी किया है, और विमल जी और हम लोगों ने, और पप्पू जी ने डांस डायरेक्शन दिया है, और बबलू जी ने और उनकी मिसेस ने इसको डायरेक्शन दिया है। मैं समझ रहा हूँ कि अब तक मैंने जितना भी काम किया या लोगों के दूसरे वीडियो वगैरह देखे, ये उन सब से हटके हुआ है और बहुत ही प्यारा बना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आज का जो ज़माना चल रहा है उसमें इस तरीके का भजन अभी तक नहीं आया है, और ये दावे से कह सकता हूँ कि हर घर में ये कंपलसरी बजेगा। राधे राधे जपो के जो हर काम में तेरा जीवन जाएगा। तो राधे राधे, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे ललित जी कुछ बोले या विमल जी पहले बोले। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ललित जी मेरे छोटे भाई हैं, जो मैं दिलीप जी को आते साथ कहा था कि हम लोग कितने लकी हैं कि एक बहुत बड़े बाग की कल्पना करके ललित जी आए हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई कि भाई जब बाग की प्लानिंग हो गई तो बाग का जो पहला पौधा था, मतलब पहला गाना जो अभी रिलीज नहीं हुआ, होने वाला है, हम लोग फिर ऐसे ही बैठेंगे एक बार, वो उसमें उस बाग को लगाने में सबसे ज़्यादा मेहनत ललित जी का प्रोत्साहन अपने दिलीप सिंह जी, नवाब आरजू जी और मैं थे। हम लोगों ने काम किया, उसके बाद अचानक एक दिन मुझे गाना सुनाया दिलीप, अपना ललित भाई मेरे छोटे ने, कि विमल जी एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं किसने किया है? स्क्रैच का, करण भाई। मैं मिला नहीं था करण भाई जी से, लेकिन उनका जब गाना सुना तो मैंने, ये ट्यून इतनी कैची है और स्पेशली मुखड़ा, तो इसको तो आप प्लीज़ गो है। और देखिए, हर गाने का अपना एक भाग्य होता है, हर चीज़ का अपना एक भाग्य होता है। राधे राधे का भाग्य ऐसा था कि हम लोगों ने चार गाने ऑलरेडी पिक्चराइज कर चुके हैं, लेकिन इस गाने का भाग्य ये था कि सबसे पहले इसने रिलीज होना था, और जेड सीरीज़ की, जो मैं चाहता हूँ, जो किसी मेरे दोस्त ने कहा भी कि जेड सीरीज़ वैसे ही बने जैसे टी सीरीज़ है, और मैं दिली तमन्ना है मेरी कि इस गाने के साथ ही झंडे गाड़े जाएं, ताकि हमारे लिए जो आने वाले हमारे गाने 3-4 हैं वो एक आसान से हो जाएंगे, क्योंकि एक सड़क ये बना देगा गाना, आई एम 100% श्योर। इसके पीछे की जो मेहनत है, करण के अलावा पप्पू खन्ना जी की है, बबलू जी की है, इनके आर्ट डायरेक्टर की है, इनके कैमरामैन की है, मैं सबको श्रेय दूंगा कि इन्होंने दिल से मेहनत करके कितना अच्छा गाना बनाया है। ईश्वर करे ये बहुत सक्सेसफुल हो, घर घर बजे, और इससे ज़्यादा खुशी हमको नहीं होगी कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। ललित जी मैं बोलूँ, कितना एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगे लोग? आज मेरा पहला गाना रिलीज हो रहा है, मेरी जो आवाज़ में बड़ी खुशी हो रही है मेरे को, इसको गा करके, इसको सबको सुना करके बहुत खुशी हो रही है मेरे को। बस इनका मौन रहना ही समझिए कि बहुत कुछ बोल दिया। मैं कुछ बीच में बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। ललित जी यकीन करते हैं टेलीग्राफिक लैंग्वेज में, 6 लाइनों के बदले 1 वर्ड में कमिंग, गोइंग, रीचिंग, रीच, आप समझ जाइए कम शब्दों में, बाकी आप देखिए टेलीग्राफिक लैंग्वेज है। बहुत अच्छा पप्पू जी। हाँ ललित जी, एक गाना आपका, एक वर्ड गा के आपके आवाज में, राधे राधे लाइव, एक बार लाइव, राधे राधे जपोगे जो हर काम में तेरा जीवन ये पूरा संवर जाएगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया पप्पू जी। बात सबसे बड़ी बात,
वहाँ बोलिए। सर आपने एक्टिंग भी की है, सिंगर तो ही है, कैसा अनुभव रहा हो? एक्टिंग का मेरा पहला था ये, और वो पप्पू जी की मेहरबानी है जो इतनी मेहनत करा के मेरी एक्टिंग करवा दी थोड़ी बहुत। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। आगे प्लान है? बिल्कुल 100% है और रहेगा। पप्पू जी हाँ, मैं तो खुश नसीब हूँ, लक्की हूँ जो ललित जी मिले, विमल जी मिले, दिलीप जी मिले, आते ही एक साथ हुआ, एक टीम बनी, कोई नई टीम बनी। तो ललित जी की वजह से, उनके आने से कम 100 लोगों का घर चलेगा। आज एक नहीं, 2 एल्बम 3 एल्बम ये कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो हमारा हमेशा उनके साथ है, हमेशा वो राधे राधे आपके साथ है, हम भी आप लोग के साथ है, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम लोग हैं। थैंक यू। हाँ, और काफ़ी हमारे गाने अभी रिलीज होने वाले हैं, 3-4 गाने और तैयार हो चुके हैं, उसके बाद लाइन से आएंगे सर। आप सोचिए, जब मैं बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है कुछ गाने ही बने होंगे। ये अलग बात है कि जब हम लोगों ने म्यूजिक कंपनी खोलने से पहले मैंने खुद ललित जी से कहा था कि इसमें सिर्फ एक दिलीप सेन से नहीं चलेगा, दिलीप सेन समित सेन से नहीं चलेगा, एक विमल जी से नहीं चलेगा, इसमें तुम आपको म्यूजिक कंपनी प्रॉपर बनानी है, इसमें अलग अलग संगीतकार, अलग अलग लोग चाहिएंगे। तो ये पहला एल्बम हुआ, बाकी अभी जो आएंगे वो हम लोगों के आएंगे। आपके सवाल का जवाब मैं भी दे दूँ। गाने की जो शुरुआत हमने की थी, रिकॉर्डिंग एंड पिक्चराइजेशन, वो एक शराब और शबाब पे था, लेकिन क्योंकि राधे राधे भगवान का नंबर है, भजन है, इसलिए हमने शुरुआत इससे की। इसके बाद आपको हर रंग मिलेगा, 9 के 9 रस आपको हमारे गानों में मिले, सब कुछ मिलेगा। बबलू जी बोलिए। हाँ जी, अब हम मैं बीच में हूँ।